देश में कोरोना संकट के कारण आई आपदा को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस आपदा को अवसर में बदल डालो, पर इस अवसर का स्वरूप कैसा हो इसको लेकर प्रधानमंत्री ने जो बताया वो उत्तर प्रदेश की सरकार को याद ना रहा और अब राज्य के 65 जिलों में इस आपदा को भ्रष्टाचार के अवसर में बदल दिए जाने की खबर आ रही है। क्या कुछ है इन खबरों के पीछे बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में, देखते रहिए मीडिया दरबार और मैं हूँ आपके साथ शुभम मिश्रा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के ऊपर आपदा में भ्रष्टाचार के अवसर तलाशने का आरोप लग रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के दौरान थर्मामीटर और कोरोना किट की खरीद फरोख्त को लेकर भारी भ्रष्टाचार के आरोप योगी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि थर्मामीटर जिसका दाम 1800 रुपए है उसे योगी सरकार ने सरकारी बिल में 13500 का दिखाया है। इन दोनों कीमतों के बीच 100 से 200 फीसदी नहीं सीधे सीधे 750 फीसदी का फर्क है। ऑक्सीमीटर जो 800 रुपए का आता है उसकी कीमत को सरकारी बिल पर 1372 रुपए का दिखाया गया है। इसी के साथ कोरोना किट को लेकर कहा जा रहा है कि एक कोरोना किट की कीमत वास्तव में 2800 रुपए है लेकिन सरकार ने इसे सरकारी बिल पर 15750 रुपए का दिखाया है, जिससे सीधे तौर पर वास्तव कीमत और बिल की कीमत में 562 फीसदी का फर्क है। इस फर्क को ही सरकार ने आपदा में अवसर समझकर अपनी जेब में डाल लिया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही जिन कंपनियों से ये कोरोना किट खरीदी गई है उन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कहीं स्कूल के पते पर है तो कहीं वो कंपनियां ही कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार को घेरते हुए ट्वीट कर लिखा कि यूपी के लगभग सभी जिलों में कोरोना किट घोटाला हुआ है। कोरोना आपदा के समय जब लाखों लोगों की रोजी रोटी पर खतरा है उस समय प्रदेश सरकार के अफसरों ने करोड़ों का वारा न्यारा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या प्रदेश सरकार की रुचि हर बार घोटालेबाजों को बचाने की होती है। इस घोटाले का आरोप यूपी सरकार पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी लगाया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कोरोना के संकट काल में युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है और योगी सरकार रोजगार देने के बजाय कोरोना घोटाला करने में व्यस्त है। यूपी के 65 जिलों में कोरोना घोटाले को लेकर लगते आरोपों को देखते हुए योगी सरकार ने इस मामले में एसआईटी इंक्वायरी का गठन किया है। इस एसआईटी टीम को 10 दिनों में इन 65 जिलों में इंक्वायरी करके रिपोर्ट राज्य सरकार को देनी है। 10 दिनों में 65 जिलों में तो लोग घूमने भी निकले तो सही से घूम नहीं पाएंगे, फिर यह इंक्वायरी कैसे होगी ये शायद आम आदमी के समझ से बाहर है। लेकिन 10 दिनों के बाद क्या होगा योगी सरकार का जवाब इस घोटाले को लेकर जानने के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार, क्योंकि हम आपको देते हैं दमदार खबर हर बार। धन्यवाद।